नमस्कार, मैं जीएम राठौर, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। आज मैं सिंगल पॉइंट टूल ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा। वर्कशॉप में मेटल मशीनिंग के दौरान टूल काम में लिए जाते हैं। ये टूल दो प्रकार के होते हैं, सिंगल पॉइंट टूल और मल्टी पॉइंट टूल। सिंगल पॉइंट टूल में जो है कटिंग पॉइंट एक सिंगल होता है, मल्टी पॉइंट टूल में जो है मल्टी पॉइंट्स होते हैं जो कटिंग करते हैं। मल्टी पॉइंट टूल्स मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन आदि में काम में आता है, और सिंगल पॉइंट टूल लेद मशीन, शेपर मशीन, स्लॉटर आदि में काम आता है। सिंगल पॉइंट टूल एक वर्सेटाइल टाइप का टूल है और सिंपल टूल है। इसकी ज्योमेट्री में इसे वेरियस प्रकार के एंगल्स को जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के एंगल होते हैं, रैक एंगल, रैक एंगल फिर दो प्रकार का होता है, बैक रैक और साइड रैक। रैक एंगल टूल के अंदर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसका मुख्य कारण है, दो कारण है। पहला कारण तो चिप फ्लो को जो है आसानी से प्रोवाइड करता है, यानी कि जो चिप जो प्रोड्यूस होती है मेटल मशीनिंग के दौरान वो चिप आसानी से जो है फ्लो हो जाती है और टूल और जॉब के फेस से रिमूव होती रहती है। दूसरा कारण है इसका रैक एंगल प्रोवाइड करने का, चिप ब्रेकअप। चिप को जो है ये स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक करता है। दूसरा एंगल है क्लीयरेंस एंगल। क्लीयरेंस एंगल जैसा कि इसके नाम से ही आइडेंटिफाई है, ये क्लीयरेंस प्रोवाइड करता है। इसका मुख्य फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड क्लीयरेंस बिटवीन टूल एंड जॉब और जॉब एंड मशीन, मशीन और टूल के बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं हो, किसी प्रकार की रगड़ नहीं हो, किसी प्रकार का जो है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, इसके लिए क्लीयरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एंड क्लीयरेंस और साइड क्लीयरेंस। तीसरा एंगल होता है इसमें कटिंग एंगल। कटिंग एंगल मुख्य जो है मुख्य एंगल है इसमें, और ये कटिंग का काम करता है। टूल को शार्प बनाने के लिए कटिंग एंगल प्रोवाइड किया जाता है। इसका फंक्शन होता है मेटल को कट करने का, मिनिमम फ्रिक्शन के दौरान और मैक्सिमम जो है कटिंग करे, इसलिए इस टूल को इसका एंगल को प्रोवाइड किया जाता है। ये भी दो प्रकार का है, साइड कटिंग एंगल और एंड कटिंग एंगल। इस प्रकार से जो है तीनों एंगल इसमें प्रोवाइड किया जाते हैं ज्योमेट्री में टूल में। अब टूल के अंदर जो है आपको किस प्रकार से ये बताए जाते दिए जाते हैं, ये टूल की ज्योमेट्री दिखाई गई है, ये एलिवेशन है, ये प्लान है और ये साइड व्यू है। बैक रैक एंगल ये इसके फेस पे जो है पीछे की तरफ बैक साइड में प्रोवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं बैक रैक। साइड रैक एंगल फेस की साइड में जो है इसको स्लोप प्रोवाइड करके देते हैं। ये दोनों एंगल एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, ये साइड और ये बैक, दोनों परपेंडिकुलर एंगल हैं और इनका जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल होता है। इस प्रकार से जो है रैक एंगल के कारण चिप इस डायरेक्शन में आसानी से फ्लो हो जाती है और मशीन की ट्रे में गिरती रहती है। ये बैक रैक एंगल। क्लीयरेंस एंगल जैसा कि क्लीयरेंस एंगल क्लीयरेंस प्रोवाइड करता है टूल एंड जॉब के बीच में, इसके एंड क्लीयरेंस एंगल एंड में नीचे का पोर्शन जो फेस है उसको हल्का सा दबा दिया जाता है, टेपर कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं एंड क्लीयरेंस, ताकि ये टूल का नीचे का हिस्सा जो है जॉब से टच नहीं करे, केवल कटिंग पॉइंट ही टच करे।
इसी प्रकार से साइड में, साइड का पोर्शन भी जो है इसका टेपर किया जाता है, ताकि साइड का पोर्शन भी जो है मशीन से या जॉब से रगड़ नहीं करे, फ्रिक्शन नहीं करे, इसलिए साइड क्लियरेंस एंगल और एंड क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है। अब मेन एंगल है इसका कटिंग एंगल। कटिंग एंगल जो है टूल को शार्प बनाने के लिए प्रोवाइड करते हैं, और ये दो प्रकार का है, साइड कटिंग एंगल और एंड कटिंग एंगल। ये इसके प्लान में नजर आएंगे, साइड कटिंग एंगल में साइड में इसको टेपर किया जाता है, और एंड कटिंग एंगल में इसके फेस में जो है एंड में इस पोर्शन को टेपर करता है, और इस प्रकार से टूल को जो है शार्प बना दिया जाता है। क्योंकि जब टूल को शार्प बनाते हैं तो इसका इसको बोलते हैं नोज, और ये शार्प पॉइंट होता है। टूल को शार्प नोज को जो है पॉइंट को जो है शार्प नीट के इस पे 1 mm का रेडियस प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं नोज रेडियस। इसमें ये जो साइड रैक एंगल है और ब्रेक एंगल है ये ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि इसको अगर ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है तो टूल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, टूल का मटेरियल कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए इसको जो है मटेरियल की क्वालिटी के आधार पर इसको डिसाइड करते हैं, और ये 10 से 15 डिग्री के बीच में इसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे ट्रैक एंगल बढ़ता जाता है टूल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, इसलिए जो है एक अप्रोप्रिएट एंगल इसमें प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार से जो है ये सिंगल पॉइंट टूल लेथ मशीन का एक्सपेरिमेंट किया है, ये लेथ मशीन के ऑपरेशन पे काम आता है। धन्यवाद।